कर्नाटक चुनाव से 8 दिन पहले बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, जो कुछ हद तक कांग्रेस के घोषणा पत्र जैसा लग रहा है। इस घोषणा पत्र में सस्ते खाने के लिए अन्नपूर्णा कैंटीन खोलने और साथ ही बीपीएल परिवारों को स्मार्टफोन देने जैसे वादे शामिल हैं। बड़े बड़े नेताओं की रैलियों के बीच कर्नाटक का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का नाम दिया है नम कर्नाटक के नम वचन, यानी हमारा कर्नाटक हमारा वचन। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदुरप्पा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में घोषणा पत्र को जारी किया गया। येदुरप्पा के मुताबिक घोषणा पत्र को किसानों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे पहले कांग्रेस भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। अब हम आपको दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो की बड़ी बातें एक साथ दिखाते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में सस्ते खाने के लिए अन्नपूर्णा कैंटीन का वादा है, तो कांग्रेस ने भी सस्ते खाने के लिए पूरे कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन शुरू करने की बात कही है। बीजेपी ने बीपीएल परिवारों के लिए स्मार्टफोन का वादा किया है, तो कांग्रेस ने कॉलेज छात्रों के लिए स्मार्टफोन का वादा किया है। बीजेपी ने कॉलेज छात्रों के लिए लैपटॉप का वादा किया है, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फ्री लैपटॉप का वादा नहीं है। बीजेपी सरकार में आने के बाद बीपीएल परिवार की लड़कियों को शादी के वक्त 3 ग्राम का मंगलसूत्र देगी, तो कांग्रेस ने बीपीएल परिवार के महिलाओं को 3 ग्राम की सोने की थाली का वादा किया है। बीजेपी ने सिंचाई के लिए 1.5 लाख करोड़ का आवंटन करने का वादा किया है, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में महिलाओं को 1% ब्याज पर 2 लाख रुपए तक के कर्ज का वादा है, तो कांग्रेस ने महिलाओं को स्कूटी खरीदने पर 50% सब्सिडी या 30,000 रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी के मुताबिक उनका घोषणा पत्र कर्नाटक के विकास को रफ्तार देने वाला है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई विजन ही नहीं है। While the manifesto of the Congress party was no vision, no mission, only commission manifesto, this manifesto of Bharatiya Janata Party is about aspirations and it procures what is the main agenda of BJP, that is development, all-round development and fast-track development of Karnataka. Karnataka Bharatiya Janata Party ka ghoshna patra 0+0=0 hai. 2014 ke Modi festo और 2018 के येड्डी रेड्डी फेस्टो की कॉपी, जीरो कॉपी, वो है कर्नाटक की भाजपा का मैनिफेस्टो। वो इसे बोलते हैं वचन पत्र, है ये जुमला फेस्टो, मोदी जी की तरह झूठ और जुमलों पर आधारित। सबके अपने अपने वादे और दावों के बीच आखिरकार 15 मई को पता चल जाएगा कि कर्नाटक की जनता ने किसके मैनिफेस्टो को कितना पसंद किया है। बेंगलुरु से संवाददाता पिंकी राज पुरोहित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।